प्रोग्राम में आपको खुश आंदेद मैं हूँ मसूद रजा नए साल की मुबारकबाद आज पहला दिन नए साल का और जो साल गुजरा उस साल के जाते जाते एक सवाल हर जगह पूछा जाता है चाहे आप टीवी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हों या आप कहीं किसी से मिल रहे हों रास्ते में चल रहे हों जो मिलता है वो एक ही बात पूछता है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा या पाकिस्तान की मीशत बच जाएगी आखिर मामला है क्या तो पाकिस्तान की जो मीशत के हवाले से सूरत हाल थी उसके तनाजर में आज कोशिश करेंगे कि 2023 हमारा कैसा होगा दो हज़ार के माशी चैलेंजेस क्या होंगे जो सियासीदम इसकाम है, है दहशतगर्दी का भी खतरा है वो अपनी जगह लेकिन माशी एमरजेंसी की ऐसी सूरत है हाल इस वक्त मौजूद है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन पाँच अशारिया आठ अरब डॉलर के ज़खायर बचें जो एक माह की इम्पोर्ट के लिए भी काफ़ी हैं और यानी एक माह की इसमें इम्पोर्ट हो सकती है चार दिसंबर को एक अरब डॉलर हकूक़ की अदायगी कर दी गई थी और नए माली साल के पहले महीने के पहले हफ़्ते में ही यानि अब से चंद दिनों में हमें मुत अरब इमारत के दो कमर्शल बैंकों को तकरीबन एक अरब डॉलर्स की मजीद अदायगियाँ करनी हैं अगर जनवरी से पहले आई ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया तो कमर्शल बैंकों के एक अरब डॉलर्स कर्ज़ अदा करना उसकी अदायगी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगले तीन माह में पाकिस्तान को तकरीबन साढ़े छः से साढ़े आठ अरब डॉलर्स कर्ज अदा करना है और अगले पूरे साल में तकरीबन छब्बीस अरब डॉलर्स मजीद दरकार होंगे बल्कि वजीर ख़जाना इसाक डार साहब तो ये कहते हैं कि इकतीस अरब डॉलरस हमें चाहिए हुकूमत ये फंड्स कैसे जमा करेगी ये एक बड़ा सवाल है जो आज हम पूछेंगे इसके अलावा आईएमएफ की शराब पूरी करना ये भी साल 2023 का एक बड़ा मसला रहेगा आईएमएफ 800 एफ आठ सौ अरब रुपयों की टैक्सेस की बात कर रहा है कि अब ये जो इसका अतलाक़ जब आवाम पर होगा ये टैक्स लगाए जाएंगे तो आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा और जैसे सियासी हालात इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद हैं तो शहबाज हुकूमत के लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा लोग कहते हैं कि जहर कातिल हो सकता है सवाल ये भी है कि जो करेंसी करंश है जो गिरावट है रुपए की क्या दो हज़ार तेईस में ये मसला हल हो जाएगा ये पहले से बड़ा मसला बन जाएगा क्या डॉलर मजीद तगड़ा होगा क्या रुपया मजीद कमज़ोर होगा क्योंकि डॉलर और पाउंड समेत इंटरनेशनल करेंसीज़ आज तीस रुपए ओन पर मिल रही हैं अगर इंटरबैंक में डॉलर रेट ना बढ़ाया गया तो फिर अगले साल यानी कि ये जो अब साल शुरू हो चुका है इसके चंद ही दिनों में वस तक कहा जा रहा है कि ये जो ओवन है ये पचास रुपये तक भी पहुँच सकता है तो सवाल ये भी है कि अफवान ट्रेड अफगान ट्रांसिट ट्रेड और ईरान ट्रेड पॉलिसी इस पर भी बात करेंगे कि क्या इसके जो मसाइल हैं इसके हवाले से जो मसाइल हैं मीशत को उसका कोई इलाज निकलेगा क्योंकि पाकिस्तान डॉलर्स में एक्सपोर्ट करता है मगर जब अफगानिस्तान को चीज़ें देता है अफगानिस्तान से इम्पोर्ट करता है तो इसके बदले पाकिस्तान को रुपये मिलते हैं डॉलर नहीं मिलते और इस हकीक़त से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि साल दो के आखिरी दिनों में सामान और डॉलर की स्मगलिंग जो है वो भी उर्ज पर रही तो तकरीबन ये कहा जाता है कि तीस से चालीस लाख डॉलर्स रोज़ाना अफगानिस्तान स्मगल होते रहें। तो सवाल ये भी है कि इस बीमारी का हुकूमत के पास क्या इलाज है हुकूमती अखराज में मुसलसल इजाफा नए माली साल में एक संगीन मसला बनकर सामने आ सकता है आधे से ज़्यादा वज्रा के पास कोई कलमदान नहीं है लेकिन तनख्वाहें और मराहत उन्हें मिल रही हैं मालियाती खसारे को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अपने अखराज कम करेगी कैसे करेगी तेरह जमातों का ये मखलूत इतिहाद है शहजाद शहबाज हुकूमती कैसे कर पाएगी ये भी एक बड़ा मसला है नए साल में आवाम का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है और हुकूमत के लिए मुल्क में डॉलर्स लाना तोानाई के बहरान को ख़त्म करना ये भी एक चैलेंज होगा सन 2023 में तोानाई के शुबे का खसारा मुल्क का एक बड़ा मसला साबित होगा मीशत का एक बड़ा मसला साबित होगा अगर इस पर तोजो ना दी गई तो अगले साल सिर्फ ये एक शोबा ऐसा है जो पाकिस्तान को दिवालिया कर देने के लिए काफ़ी होगा इस शोबे के जो गर्द इसे गर्दशी कर्जा इसे कहते हैं कि ये दो हज़ार पाँच सौ अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है ये बहुत बड़ा कर्जा जमा हो चुका है हमारे ऊपर और हालात के पेश नज़र ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि नए माली साल में पाकिस्तान को कई खतरा हैं जिनमें सर फहरस बैरूनी अदायगियाँ हैं दो हज़ार बाईस का पूरा साल हमारा ज़ाया हो गया दो हज़ार तेईस का साल ज़ाया होता है या नहीं इसका इसार मुल्क में सियासी इस्तकाम पर है और ये भी एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में सियासी इसकाम कैसे आएगा क्योंकि अब शहबाज़ हुकूमत के हरीफ़ इमरान खान जहाँ फ़ौरी इंतबा का मुतालबा कर रहे हैं वहीं शहबाज हुकूमत की माशी हमत अमली पर भरपूर तनकीद दी कर रहे हैं और इस सिलसिले में उनकी जमात महंगाई के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुहिम का आगाज़ भी कर चुकी है आज लाहौर में पिंडी में फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं एहतजाजी तहरीक को आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि तकवीत दी जाएगी और अगले दो हफ्तों में इमरान खान खुद सड़कों पर होंगे और इस तहरीक को लीड कर रहे होंगे आवाम को अपनी तरफ रागब करने के लिए उनके पास अच्छा खासा मवाद होगा वो अपनी पिछली कारकर्दगी बताएंगे सरकारी शुमार बताएंगे और फिर वो ये मुहिम लेके चलेंगे तो मीशत सियासी अदम इसकाम दहशतगर्दी ये सब कुछ मिलकर ये दो हज़ार तेईस है ये कैसा साल होगा खास तौर पर मीशत के हवाले से